हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आयतनी और क्षेत्रमिति का पार्ट टू लेकर आया हूँ। पार्ट वन में मैंने आयत, वर्ग, घनाभ और घन से रिलेटेड सभी सूत्र बता चुका हूँ मैं। और उस पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरीके से अगर गोल आकृति होती है तो उसमें पाई आता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर वृत्त से। ठीक है, तो वृत्त के लिए पाई क्यों आता है इसका कारण भी मैं आपको बताया था। यहाँ पर पाई इसलिए आता है क्योंकि पाई का मीन्स होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, मतलब पूरा गोल। ठीक है, तो इस परिधि का और इस त्रिज्या का रेशियो होता है वो 2 पाई होता है, इसलिए किसी भी गोल आकृति में पाई आता है। ये तो पहला कारण था पाई आने का, क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप जानते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त की कुछ एक त्रिज्या होती है, बस इसका एक ही अंग होता है त्रिज्या। ठीक है, उसी से रिलेटेड सभी सूत्र बनते हैं इसके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है? वृत्त के बाहर बाहर। ठीक है, तो कुछ भी विशेष नहीं है। देखिए, पूरा कोण याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। पूरा कोण कितना होता है, ये पूरा कोण बताइए, 360 डिग्री। मैंने पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, सभी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, तो 2 पाई परिधि के लिए बता रहा हूँ मैं। 2 पाई परिधि होती है इसकी, ये बाहर बाहर जो चीज होती है उसको बोलते हैं परिधि। और क्या लेकर चले अपन? आर लेकर चले, तो इसलिए परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर। परिधि, परिमाप और परिमिति मीटर में आती है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होता है और आर मीटर का ही होता है, इसलिए यहां पर ये मीटर सही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, या याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। 2 पाई आर पहला वाला सूत्र हमारे पास, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। सेकेंड चीज, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 आपको ऊपर ले लेना है। देखिएगा तो सूत्र क्या बन गया, देखिए, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बना ही नहीं बना। ठीक है, ये जो टू था ऊपर आ गया, तो पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पूरा वृत्त नहीं देकर इस तरीके से एक खंड दे देता है, वृत्त का एक खंड। ठीक है, ये वाला जैसे यहां पर मैंने चित्र बना रखा है, इसमें इस थीटा पर डिपेंड करता है कि कितना है। जितना बड़ा थीटा, तो देखिए पूरा थीटा कितने का होता है, 360 का। उसमें से जितना थीटा, पूरा 360 में से जितना थीटा लिया गया है उतना ही हमारे पास इसका आंसर रहेगा। उसी तरीके से तो इसमें भी क्षेत्रफल अगर आपके पास पूछेगा तो सूत्र है यहां पर दे रखा है नीचे, देखिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर क्षेत्रफल का सूत्र वो कोई पाई आर स्क्वेयर, केवल आगे आपको थीटा कितने में से, 360 में से। और चाप की लंबाई का भी सेम टू सेम से, थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये वाला आपको सूत्र लगा देना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही बात यहां पर? ठीक है, यहां पर और भी कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में व्यास दे देता है, तो ये आपको ये रिलेशन तो पता ही होगा, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, व्यास बड़ा भाई होता है तो 2 गुणित त्रिज्या। आपको कभी भी त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास में 2 का भाग दे देने, या व्यास निकालना हो तो त्रिज्या में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला भी आप यूज करेंगे बहुत सारी बार क्वेश्चंस में। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? समझ में आ रही बात ये तो? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चाप की लंबाई वाला भी क्लियर हो गया, और त्रिज्याखंड वाला भी हो गया, और वृत्त का भी हो गया। वृत्त क्लियर हुआ, नेक्स्ट अपन चलते हैं गोले की तरफ। देखिए, अब गोला क्या होता है, 3D आकृति होती है, और मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए नीचे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो गोले में ध्यान दीजिए, कुछ भी विशेष नहीं कर रहा है, गोला एक 3D आकृति है। तो 3D आकृति के 2 या 3 सूत्र होते हैं, एक संपूर्ण पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ और एक आयतन का। तो चूंकि देखिए गोला जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो आकृति आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गोले के क्या ढक्कन होता है, गोले का एग्जांपल मैं देकर बताता हूँ। फुटबॉल या एक बॉल, टेनिस की बॉल ले ली जाए, आज बहुत सारे उदाहरण गोले के। ठीक है, तो उसका ढक्कन नहीं होता, इसलिए उसका केवल एक ही सूत्र होता है, संपूर्ण पृष्ठ का, या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक सूत्र होता है आयतन का। ठीक है, परिमाप 3D आकृतियों में नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखने का तरीका मैं यहां पर बता देता हूं। एक वृत्त का कितना होता है, एक वृत्त का होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। अब चूंकि गोला तो बड़ा रहेगा, वृत्त से सब तरफ कलर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसलिए कितना गुना होगा, तो लगभग याद रखने का तरीका मैंने बताया है 4 पाई आर स्क्वेयर, इसमें 4 का गुणा कर देना है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे बोला जाए, 4 पाई आर स्क्वेयर, ये 4 भी निकाला गया है, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से ही 4 पाई आ रहा है। ठीक है, ये भी पूरा निकाला गया है, लेकिन इतना डीप में अपन जाएंगे नहीं। ठीक है, अब गोले का आयतन। अब आयतन के लिए मैंने देखिए पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क्यूब होता है, तो कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर,
केवल चार जो ऊपर वाले सूत्र से ही आप याद रख सकते हैं, चार के बटे में तीन कर दो और आर के साथ क्यूब कर दो, तो आंसर इसका हो जाएगा 4/3 πr³। 4/3 πr³ गोले का आयतन का, 4πr² संपूर्ण पृष्ठ का है और आयतन में चूंकि क्यूब आता है इसलिए 4/3 πr³ आप सूत्र यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अर्धगोले में देखिए, अब संपूर्ण पृष्ठ इसका 4πr² है लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आएगा 3πr². अब देखिए 3πr² क्यों आ रहा है, इसका कारण मैं आपको यहां पर बता देता हूं। क्योंकि देखिए अगर इस अर्धगोले का मतलब होता है आधा गोला आपसे काट लिया हमने, तो आधा गोले में देखिए अगर काट कर ये वाला पार्ट अगर मैं बनाता हूं तो देखिए केवल इधर इधर ही कलर था उस गोले के, तो इधर इधर कलर था, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो हमारे पास आ रहा है 2πr² और संपूर्ण प्रश्न में चूंकि एक ढक्कन और लगाना पड़ रहा है इसको और कलर करना पड़ेगा, ढक्कन होता है इसलिए एक ढक्कन और कितने का πr² का, क्योंकि एक ढक्कन है वृत्त होता है तो ये हमारे पास हो जाएगा πr² का। तो अर्धगोले का प्लीज याद रखिएगा संपूर्ण प्रश्न में ढक्कन एड होता है इसलिए 3πr² और अर्धगोले का वक्र प्रश्न में ढक्कन एड नहीं होता इसलिए इस 4 का आधा 2πr². क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आयतन, आयतन का तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, पूरे गोले में जितना भराएगा उसका आधा ही अर्धगोले में भराएगा क्योंकि आयतन का अर्थ होता है अंदर क्या भराया जा सकता है। ठीक है, तो पूरे गोले में आपको देख रहा होगा 4/3 πr³ अगर भर सकते हैं तो अर्धगोले में कितना भराएगा 2/3 πr³। 2/3 πr³ यहां पर थोड़ा से नीचे आ गया है इसलिए यहां पर थोड़ा सा कर नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन यहां पर लिखकर बताया तो मैं 2/3 πr³, याद रखने का तरीका बटे में तीन है इसलिए यहां पर भी तीन आ जाएगा। ठीक है, और गोले में चार होता है और अर्ध गोले में टू होता है। क्लियर है? ये गोले का और अर्ध गोले का फॉर्मूला आ गया आपके सामने। क्लियर है? नेक्स्ट अपन चलते हैं आकृति हमारे पास बेलन और शंकु। तो बेलन आप जानते हैं, बेलन के लिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे। ठीक है, तो बेलन कुछ इस प्रकार का होता है आपके सामने जो मैंने आकृति बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, बेलन हमारे पास किस प्रकार का होता है, तो बेलन का आकृति आपको दिख ही रहा होगा, ये बेलन है और ये शंकु है। ठीक है, तो देखिएगा बेलन की खासियत क्या क्या है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अब देखिए जिस भी चीज के ढक्कन होते, देखिए मैंने ढक्कन को कलर कर रखा है यहाँ पर, तो बिना ढक्कन के अगर आप आकृति को अगर देखा जाए बाहर बाहर अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। तो बिना ढक्कन के लिए देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr। देखो मैंने याद रखने का एक तरीका बनाया कैसे, देखिए वक्र पृष्ठ में यहां पर एक बनाकर बताता हूं, बेलन बना रहा हूं जैसे मैंने नीचे बिना ढक्कन के कलर किया, तो नीचे एक बार तो साइड साइड जो बाहर बाहर क्या होता है, जैसे बाहर बाहर अपन को पता है परिधि होती है और परिधि कितने की होती है, यहां पर लिख रहा हूं मैं 2πr की परिधि होती है। ठीक है, 2πr की परिधि होती है एक वृत्त की, फिर से मैंने इसके ऊपर एक वृत्त रखा, फिर से मैंने इसके ऊपर एक वृत्त रखा, फिर से मैंने वृत्त रखा, वृत्त रखा, वृत्त रखा और यहां तक रखा मैंने। ठीक है, कितनी बार रखा मैंने, एच बार रखा, तो इसका सूत्र हो गया 2πr h। मैंने यहां ढक्कन नहीं गिने, ढक्कन समझ पा रहे हैं आप, ढक्कन मैंने यहां पर नहीं गिने। ठीक है, ढक्कन हमारे पास ऊपर की तरफ रह जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात यहां तक? क्लियर हुआ? ढक्कन मैंने नहीं रखे और 2πr h हमारे पास वक्र पृष्ठ का सूत्र है। ठीक है, अब हमारे पास संपूर्ण प्रश्न में क्या होता है, तो संपूर्ण प्रश्न में केवल इस वक्र पृष्ठ के साथ ढक्कन को और एड कर लिया जाए तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान से देखिए 2πr h हमारे पास वक्र पृष्ठ था और कितने ढक्कन है बेलन में, दो ढक्कन है, तो एक ढक्कन एक वृत्त होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो दो ढक्कन का सूत्र हो जाएगा 2πr², यहाँ कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे इस वाले में 2π 2π कॉमन निकाल लिया, तो 2πr यहाँ पर कॉमन निकल गया, इसके पास h बन गया और इसके पास r बच गया, 2πr h+r। या कभी कभी आपको सूत्र ऐसा भी दिखता है संपूर्ण पृष्ठ का 2πr r+h, में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में इसलिए। क्लियर हुआ? ठीक है, बेलन का आयतन, अब बेलन का संपूर्ण आयतन, देखिए आयतन का सूत्र कैसे निकालेंगे, आयतन का अर्थ होता है इसके अंदर क्या भरा जा सकता है, अंदर क्या भरा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अंदर के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मैंने इसके अंदर एक सिक्का डाला, एक वृत्त डाला, इस वृत्त को मैं पूरा पैक करता हूं, तो एक वृत्त को पैक करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इधर ऐसे ही मैं सिक्के यहां पर ऊपर फिर से पैक कर करके रखता जाऊंगा, कितनी बार रखा मैंने पूरे बेलन को भरने के लिए मुझे एच बार रखना पड़ेगा, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा πr² h। एक बार आप कॉपी में जरूर इस टेक्निक से बनाकर देखिए, आपका सूत्र सभी क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है।
ठीक है, तो पाई आर स्क्वेयर एच हमारे पास इसका सूत्र हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? पाई आर स्क्वेयर एच बेलन का सूत्र हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ मैं आपको शंकु का भी बता देता हूँ। शंकु का देखिए, शंकु का आयतन ये नीचे नीचे जो तीसरे नंबर पर दिया है, पाई आर स्क्वेयर एच बटे तीन। आपका जो बेलन का आयतन होता है, बेलन के आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच। शंकु का आयतन का सूत्र याद रखने का तरीका केवल इसमें बटे तीन कर देना है। शंकु छोटा होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच बटे तीन शंकु का आयतन होता है। ठीक है, नॉर्मली मैं इस तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि एक बेलन में नॉर्मली जैसे कि एक बेलन में तीन शंकु भरा जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ तो कितने शंकु बन रहे, देखिए एक शंकु इधर बन रहा है, एक शंकु इधर बन रहा है साइड में, और एक शंकु ये बीच में बन रहा है, तो तीन शंकु हो गए ना, हो गए, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच बटे तीन हो जाता है। क्लियर है? अब शंकु में आ जाते हैं। देखिए शंकु की आकृति आपको दिख रहा होगा, आइसक्रीम का कोन होता है, ठीक है, शंकु टाइप होता है। ठीक है, तो शंकु में एक चीज, नई चीज होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला हमारे पास यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं, एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है तो पहले के वीडियो जरूर देखें, मैंने वहां पर पूरे अच्छी तरीके से समझा रखा है। मैथ्स का हर एक टॉपिक मैंने क्लियर कर रखा है, हर एक वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, समझ में आ रही बात? एल बराबर रूट के अंदर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हमारे पास तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हो गया। अब देखिए मैं शंकु को सबसे गरीब आकृति मानता हूँ, और अगर आप माना जाए तो देखिए शंकु का सूत्र पाई आर एल, बोलने में थोड़ी गरीबी महसूस हो रही नहीं हो रही है? शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र हो जाएगा पाई आर एल, क्योंकि अगर पूरा बोला जाए तो ये 2 पाई आर होता था, लेकिन ऊपर जाते जाते कितना हो गया, कम हो गया, और कितनी बार चल रहा है, एल बार चल रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका ये केवल पाई आर एल शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। वक्रपृष्ठ मतलब इसका ढक्कन नहीं गिना गया। अब देखिए शंकु के पास कितना ढक्कन है, केवल एक ही ढक्कन है, एक ही ढक्कन है, इसलिए देखिए इस सेकेंड वाले सूत्र में पाई आर एल ऊपर वक्रपृष्ठ का सूत्र है प्लस पाई आर स्क्वेयर इसके साथ आपका जोड़ दिया गया। ठीक है, पाई आर कॉमन निकाल लिया और एल धन आर, तो पाई आर एल धन आर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया, और आयतन का सूत्र मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक बार और इस वीडियो को देखकर आप कॉपी में फार्मूले सभी बनाने की कोशिश करें, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।